हाँ गाइस वेलकम, दिस इज योर समीर कोहली सर विद लेक्चर नंबर 3 ऑफ द टॉपिक कॉल्ड आरडी शर्मा से, जो मैं ट्रिगो करा रहा था। आरडी शर्मा की ट्रिगो में मैंने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में, अगर आप ध्यान से देखो तो लेक्चर नंबर 1 और 2 में 1 से लेके 30 तक क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है, ये लेक्चर नंबर 3 है। आरडी शर्मा का 31st और 32nd दोनों एक दूसरे के भाई बहन है। मैं एक साथ दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि एक मैं करूं और एक आप करो। 31st बोलता है कि प्रूव दैट सीकेंट की पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू टैन की पावर 6 थीटा प्लस 3 टैन स्क्वायर थीटा इनटू सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। और 32 बोलता है कि कोसीकेंट 6 थीटा इज इक्वल्स टू कॉट की पावर 6 थीटा प्लस 3 टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, एक मैं करूंगा एक आप करोगे, और अगर सही गेम खेलनी है तो जैसे जैसे मैं एक स्टेप इस क्वेश्चन में करूंगा आप वो एक स्टेप इस क्वेश्चन में करना, तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। उससे पहले एक छोटी सी बात और करूंगा, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये फॉर्मूला याद है या नहीं याद है? अगर फॉर्मूला याद है तो बल्ले बल्ले है। अब हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा तो इसको लिखा सीकेंट स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। सीकेंट 6 थीटा को लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ये पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाती है 2 इंटू 3 जो 6 होता है, उसको ऐसे लिखा जा सकता है। सीकेंट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर ये वाली आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज ए का क्यूब प्लस टैन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस 3 ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। थोड़ा सा स्मार्ट चलना, मैं तो कह रहा हूं सेकेंड वाले क्वेश्चन को साथ साथ करते चलो। तो 1 का क्यूब होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का क्यूब हो जाएगा टैन की पावर 6 थीटा प्लस 3 टैन स्क्वायर थीटा, और एक स्मार्ट बच्चा जो चलेगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे वापस सीकेंट स्क्वायर थीटा। सो फाइनल आंसर इज टैन की पावर 6 थीटा प्लस ये वाली टर्म लिख देता हूं फिर 3 tan square theta secant square theta plus 1। left hand side is equals to right hand side, इसको हम लिख देंगे cosecant square theta का whole cube, और cosecant square theta को लिख देंगे 1 plus cot square theta का whole cube। करा सकता हूं but education का purpose आपको independent बनाना है, dependent बनाना नहीं है। बिल्कुल एक जैसे question है इसलिए ज्यादा tension लेने की जरूरत नहीं है। 31, 32 हो गए। 33 बोलता है कि प्रूव दैट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इनटू कॉट थीटा इनटू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को प्रूव करो टैन थीटा के बराबर। प्रूफ प्रूफ तो बाद में करेंगे, पहले इसको देखकर एक वर्ड आया मन में, खिचड़ी। खिचड़ी आया तो ये चा के नीचे नहीं आता, ये मेरे से गलती हो रही है। खिचड़ी जब भी हो तो किस में कन्वर्ट कर देते हैं? साइन और कॉस में। मगर उससे पहले एक बच्चे ने कहा अभी पिछले क्वेश्चन में हमने एक आइडेंटिटी करी है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉट थीटा होल अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और होल अपॉन जो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो तो एक कॉस से एक कॉस कट गया, 1 अपॉन ये कॉस इनटू साइन है, कॉस थीटा इनटू साइन थीटा इनटू ये अपॉन का अपॉन ऊपर आ जाएगा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। अगर साथ हो तो साइन से एक साइन कट गया, बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो कि सीधा सीधा फॉर्मूला होता है क्या बेटा, टैन थीटा। यही इसकी प्रेजेंटेशन है, इसको ऐसे ही करना है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस इज क्वेश्चन नंबर
33 के बाद आता है 34. 34 बोलता है कि प्रूव दैट 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ए. बड़ा ही स्वीट सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस अवेयर रहना, अवेयर, अवारा नहीं, अवेयर. बच्चा कहेगा सर रैशनलाइज मत करो, 1 प्लस कॉस ए है. आराम से देखो सर, साइन स्क्वायर ए की एक आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सर ऊपर तो वही है 1 प्लस कॉस ए, नीचे जो है वो है 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऊपर जो है वो है 1 प्लस कॉस ए, नीचे जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए. कौन सी आइडेंटिटी लगी है, मैं हर बार लिखता हूं और हर बार लिखता रहूंगा. यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. जब तक आपको अच्छी तरह दिल से समझ नहीं आ जाएगा, ये मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों को समझाता रहूं. ये आइडेंटिटी मैंने यहां लगा दी. अब बच्चा देखेगा सर अब तो गेम इजी हो गया, 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड बिना सरेंडर के. क्वेश्चन नंबर 34 हमारा हो गया. 34 के बाद आता है 35 बोलता है सीकेंट ए माइनस टैन ए अपॉन सीकेंट ए प्लस टैन ए को मास्टर जी प्रूव करके दिखाओ कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर. मैं फिर भी एक बात बोलूंगा, एक तो वही वाला वर्ड आ गया खिचड़ी, प्लस एक इसमें एक और बात बोलूंगा एंड्योरेंस. डरना नहीं है और थकना नहीं है, इस क्वेश्चन में थकना नहीं है. जब भी खिचड़ी हो तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होल डिवाइडेड बाय, नहीं यार इसको एंड्योरेंस की जरूरत नहीं है, इसको शॉर्ट मेथड से करा देता हूं. आई एम सॉरी मुझसे गलती हो गई, मेरे पास इसको कराने का एक बहुत इजी मेथड है जहां तक मैं देख पा रहा हूं. हाँ है, है, है. बट चलो अभी एक बार ये उठा लिया तो एंड्योरेंस से ही करते हैं, देखते हैं. 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. आपको पता है मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, सीकेंड ए को हम 1 अपॉन कॉस ए कभी भी लिख सकते हैं. सीकेंड ए को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉस ए, टैन ए को लिखा जा सकता है साइन ए अपॉन कॉस ए. तो सिंपल फॉर्मूलाज हैं, ऊपर से कॉमन आ रहा है 1 अपॉन कॉस ए, तो अंदर बचेगा 1 माइनस साइन ए होल अपॉन, नीचे से भी कॉमन आ रहा है 1 अपॉन कॉस ए, तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए. क्लास देखेगी ये पूरे से ये पूरा कैंसिल हो गया, कम से कम हम साइन कॉस की टर्म्स में आ गए. अब बच्चे ने बोला आंसर में नीचे 1 प्लस साइन ए चाहिए सर, तो इसी स्टेप में अगर आप चाहो, क्योंकि नीचे 1 प्लस साइन ए चाहिए, तो यहां भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे तो चाहिए जो वो आ ही गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर. अगर अभी भी याद नहीं आ रही कि इसकी जगह कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो थोड़ा सा दिल टूटेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं टूटेगा क्योंकि ज्यादा टूट चुका है. 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. इजी क्वेश्चन था, आप इसको एक और तरीके से अगर चाहो तो सीकेंड ए माइनस टैन ए इंटू सीकेंड ए प्लस टैन ए को रैशनलाइज करके कर सकते हो. सीकेंड ए माइनस टैन ए और सीकेंड ए माइनस टैन ए से रैशनलाइज करके एक बार खुद बाहर आओ, फंसो तो मुझे बता देना. अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 36. 36 जो है वो 34 की बहन है. 36 बोलता है कि 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए को प्रूव करो साइन ए अपॉन
1 माइनस कॉस ए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, 1 प्लस कॉस ए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है अपॉन साइन ए, तो नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 माइनस कॉस ए से ऊपर भी, 1 माइनस कॉस ए से नीचे भी। क्यों भाई? एक तो रैशनलाइज किया जाता है, किया जा सकता है, और जिससे रैशनलाइज कर रहे हैं वो वहां डिनोमिनेटर में चाहिए भी। यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? अगर क्लास 7 है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो बराबर होती है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन, अगर 7 हो तो साइन ए बाहर, इंटू 1 माइनस कॉस ए। मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आंसर में ये चाहिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को देखकर अगर मन में कोई फीलिंग आ रही है तो बहुत अच्छी चीज है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए होल अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अगर क्लास 7 है तो साइन ए से साइन ए गया, आंसर आ गया साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बच्चा कहेगा सर थोड़ा सा स्टाइल भी तो मारो, स्टाइल मारते हैं अब जरा ध्यान से। स्टाइल क्या है? वी नो वी हैव साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ये तो आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो बच्चे ने बोला साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा मास्टर जी 1 माइनस कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए ये जो प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो गया, साइन स्क्वायर ए बराबर आ गया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर आप हमें बोर करोगे और कहोगे ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर आ गया 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। तो जो इधर वाला साइन स्क्वायर ए था, ये वाला जो साइन स्क्वायर ए है, इस साइन स्क्वायर ए को भी हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से हम लिख सकते हैं साइन ए इंटू साइन ए। अब थोड़ा सा स्मार्ट होके चलें तो हमें 1 प्लस कॉस ए ऊपर चाहिए, मतलब 1 माइनस कॉस ए उधर ले जाते हैं और एक साइन ए इधर ले आते हैं, तो साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए बराबर हो गया 1 प्लस कॉस ए ऊपर चाहिए 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ना कोई लेफ्ट हैंड साइड ना कोई राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स एक साथ ला दी। सेम क्वेश्चन एक और तरीके से भी कर दिया, तो मेरी क्लास को घबराने की जरूरत नहीं है। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 36, कोई बड़ी चीज नहीं है, चिल करो आराम से माता रानी का नाम लेके। 37 क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है, 37 के दो पार्ट्स हैं। 37 का फर्स्ट पार्ट है अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए को प्रूव करो सीकेंड ए प्लस टैन ए। कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस थोड़ा सा दिमाग को चलाने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग को चलाने की जरूरत है। थोड़ी बायो भी पढ़ाता हूं ना, तो बायो का ब्रेन का डायग्राम बना दिया। अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, रैशनलाइज तो होगा बट चाहिए क्या मास्टर जी? चाहिए प्लस में, क्योंकि प्लस चाहिए तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करो। तो जब आप ऐसा करोगे तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है मुझे बार बार बताने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, ताकि तुम दुखी हो जाओ और इस चीज को जीवन भर याद रख लो, दुख भूले नहीं जाते। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को देखकर भी आपके मन में कोई फीलिंग आनी चाहिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी होती है, तो ऊपर तो है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर जो बाहर निकल सकता है अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो क्लास बोलेगी बाहर आ गया 1 प्लस साइन ए होल अपॉन कॉस ए। स्क्वायर था तो एक बाहर आ गया, स्क्वायर था तो एक बाहर आ गया। अब हमारा फेवरेट स्टेप लगेगा अलग अलग मतलब 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए को देखकर कोई तो आइडेंटिटी वाली फीलिंग लाओ। 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है और साइन ए अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है? 1 अपॉन कॉस ए बराबर होता है सीकेंड ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर होता है टैन ए।
secant a plus tan a के बराबर आ गया ये क्वेश्चन. अगर देखो तो अंडररूट में 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए को हम प्रूव कर सकते हैं secant a माइनस tan a के बराबर. अगर दिल हो ट्रिग्नोमेट्री में तो ये वाला आप खुद से कर लेना. क्वेश्चंस का अंत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, घुमाकर भी आ सकता है. 36 का सेकंड पार्ट बोलता है अंडर रूट में 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a प्लस अंडर रूट में 1 प्लस cos a अपॉन 1 माइनस cos a को बराबर करो 2 टाइम्स cosecant a. बराबर करो 2 टाइम्स cosecant a. बच्चा कहेगा रैशलाइज करो 1 को, रैशलाइज करो 2 को. मैं कहूंगा थोड़ा सा चिल करो. अंडर रूट में 1 माइनस cos a अलग अंडर रूट, अंडर रूट में 1 प्लस cos a अलग अंडर रूट, अंडर रूट में 1 प्लस cos a अलग अंडर रूट, अंडर रूट में 1 माइनस cos a अलग अंडर रूट. एलसीएम लिया बड़ा अंडर रूट 1 प्लस cos a into 1 minus cos a. अंडर रूट है तो एक ही. ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी, रूट 3 जब रूट 3 से मल्टीप्लाई होता है तो 3 आता है, रूट 7 जब रूट 7 से मल्टीप्लाई होता है तो 7 आता है. तो अंडर रूट में 1 minus cos a, जब अंडर रूट में 1 minus cos a से मल्टीप्लाई होगा तो 1 minus cos a प्लस जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो 1 plus cos a. अगर क्लास 7 है तो cos a से cos a बाय बाय. 1 प्लस 1 इज मेरे बच्चे 2 अपॉन अंडर रूट में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, अगर 7 हो तो a प्लस b इनटू a माइनस b. अब नहीं लिखूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर a. हां 1 माइनस cos स्क्वायर a में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, अगर 7 हो तो 2 अपॉन अंडर रूट में sin स्क्वायर a. तो 2 अपॉन sin स्क्वायर a का भार आ जाएगा sin a 2 into 1 अपॉन sin a तो 2 into cosecant a, क्योंकि 1 अपॉन sin a बराबर होता है cosecant a. जीवन भी यही है कि कब बोलें क्या बोलें. गलत बोला तो कोई फायदा नहीं, आप पता ही नहीं क्या बोलें तो भी कोई फायदा नहीं. सही समय पे सही बात बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्वेश्चन नंबर 38 के भी दो पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स हैं, चार पार्ट्स हैं. 38 का प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट बोलता है अंडर रूट में secant थीटा माइनस 1 इनटू secant थीटा प्लस 1 प्लस अंडर रूट में secant थीटा प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में secant थीटा माइनस 1 is equals to 2 times cosecant theta. 2 times cosecant theta means इसको अलग-अलग कर देंगे, under root में secant theta minus 1 upon under root में secant theta plus 1 plus under root में secant theta plus 1 upon under root में secant theta minus 1, जैसा हमने पहले वाले question में किया है. अब हम लेंगे LCM. LCM में एक बड़े वाला under root आ जाएगा secant theta plus 1 into secant theta minus 1. ये वाले भाई साहब इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये वाले भाई साहब इससे मल्टीप्लाई होंगे. देखो सेम टर्म है तो अंडर रूट 7 into अंडर रूट 7, पीछे भी बताया है 7 होता है, तो ये हो जाएगा secant theta minus 1 plus हो जाएगा ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा secant theta plus 1. ये समझ आना जरूरी है. ध्यान से बच्चा बोलेगा 1 से 1 y by by secant theta plus secant theta is 2 times secant theta whole upon under root में कौन सी identity लग रही है, अब मैं नहीं बताऊंगा. a plus b into a minus b that is secant square theta minus 1. मगर आपकी पकड़ होनी चाहिए कि अब कौन सी identity लग रही है. अब जो identity लग रही है that is 2 times secant theta upon under root में देखो मेरे से ही गलती हो रही है, secant square theta minus 1 किसके बराबर होता है, secant square theta minus 1 बराबर होता है tan square theta. तो 2 times secant theta upon under root में tan square theta है तो बाहर आ जाएगा tan theta. अब हमारी खिचड़ी वाला स्टेप लगेगा, मतलब 2 into 1 upon cos theta whole
होल अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि टैन थीटा बराबर होता है, सिर्फ याद दिला रहा हूं, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सीकेंट थीटा बराबर होता है वन अपॉन कॉस थीटा। मेन है आपको पकड़ करानी है कि टॉपिक क्लियर हो जाए, तो टू अपॉन कॉस थीटा इंटू ये ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो क्लास बोलेगी कॉस से कॉस बाय बाय, टू इंटू वन अपॉन साइन थीटा, और वन अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कोस सीकेंट थीटा, अगर साथ हो तो। वन अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कोसीकेंट थीटा, LHS इज इक्वल्स टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन नंबर 38 का फर्स्ट पार्ट। 38 का सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि अंडरवुड में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन अंडरवुड में 1 माइनस साइन थीटा प्लस अंडरवुड में 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस नहीं है सर, माइनस है, क्वेश्चन लिखने में गलती मत करना, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा को प्रूव करो 2 टाइम्स सीकेंट थीटा के, बिल्कुल सेम है। 37 का और पार्ट भी यही था, 38 का फर्स्ट पार्ट भी यही है, सेम टेक्निक सेम प्रोसेस लगेगी थर्ड पार्ट में भी। थर्ड पार्ट है अंडरवुड में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस अंडरवुड में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा को बराबर करना है 2 कोसेकेंट थीटा के। अगर ध्यान से देखो तो इन्होंने 37 का जो सेकंड पार्ट है उनके अंडरवुड को आगे पीछे कर दिया है, पहले ये वाला अंडरवुड लिख दिया, वही सेम क्वेश्चन है, ये 37 का सेकंड पार्ट है जो इन्होंने रिपीट करा है। लास्ट पार्ट जो है 38 का थोड़ा सा ओरिजिनल लग रहा है, उसमें यह सीकेंट थीटा माइनस 1 अपॉन सीकेंट थीटा प्लस 1 को प्रूव करो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये सीबीएसई के कंपार्टमेंट में पेपर में आया था, तो देखते हैं क्या है, सीकेंट थीटा माइनस 1 अपॉन सीकेंट थीटा प्लस 1, इसको देख के एक ही फीलिंग आनी चाहिए आपको जो आमतौर पे बच्चों को आती नहीं है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टैन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी आमतौर पे बच्चे भूल जाते हैं, तो यही भूलना नहीं है। तो यहां रैशनलाइज करोगे किससे, सीकेंट थीटा माइनस 1 सीकेंट थीटा माइनस 1, अगर देखूं तो ऊपर हो जाएगा सीकेंट थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर होल अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि यहां पर एक आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सीकेंट थीटा माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर, अब ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो इसको लिख सकता हूं सीकेंट थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा का होल स्क्वायर, अगर साथ हो तो, थोड़ा लंबा जा रहा है, सीकेंट थीटा को लिख दूंगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हो सकता है बच्चे कहें सर हमारे पास छोटा मेथड है, इसके छोटे मेथड भी है, LCM आ जाएगा cos theta 1 minus cos theta whole upon sin theta upon cos theta सारे का whole square, cos theta से cos theta गया बचा 1 minus cos theta upon sin theta का whole square, अभी भी आंसर से दूर है, तो 1 minus cos theta into sin theta, ऊपर भी sin theta से multiply कर दो, नीचे भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो होल स्क्वायर, साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा सारे का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो जिसको हम लिख देंगे साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का और सारे का ही है ये होल स्क्वायर होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन यहां आइडेंटिटी लगा दो ए माइनस बी ए प्लस बी, बहुत बार लगा लिया अब तक, सारे का होल स्क्वायर, ये से ये कैंसिल, तो फाइनल आंसर आया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे
सर ने इसमें हमें घुमा दिया, इसको शॉर्टकट ये था कि आप इसको 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 कर दो, 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1 कर दो और फिर रैशनलाइज कर देते तो जल्दी हो जाता, कम स्टेप्स में हो जाता। हो जाता है कई बार सेम क्वेश्चन को देख के एक से ज्यादा स्टेप्स भी लग सकते हैं। ये करने के बाद मैंने आपको 38 तक आज कराए हैं, 38 के बाद बाकी के क्वेश्चंस एक बार ट्राई करो। इन द नेक्स्ट लेक्चर्स मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के और भी पार्ट्स कराता रहूंगा। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू, ये स्क्रीन देखनी पड़ती है, गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, खुश रहो और बाकियों को भी खुश रहने दो।